हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस लेक्चर के अंदर एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं, गामा फंक्शन। ठीक है, इनफाइनाइट इंटीग्रल के लिए दो इम्पोर्टेंट फंक्शंस जिनकी डिफरेंशियल या ये कहें कि जिनकी इंटीग्रल कैलकुलस के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट भूमिका रहती है, वो दो इंटीग्रल, एक तो गामा फंक्शन और एक बीटा फंक्शन। ठीक है, दोनों ही टॉपिक्स हम करेंगे। आज के इस लेक्चर में हम गामा फंक्शन कवर करेंगे, फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बीटा फंक्शन के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। दोनों में क्या रिलेशन है ये हम देखेंगे, फिर दोनों पर बेस्ड प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। हमारी जो ये लेक्चर सीरीज रहेगी वो ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स के लिए, साथ ही इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। आपके जो भी बेसिक या फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे हम कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपके कवर हो। तो अगर हम बात करें सबसे पहले गामा फंक्शन की, तो गामा फंक्शन की क्या डेफिनेशन है। सबसे पहले गामा फंक्शन डेफिनेशन, तो आप इस तरह से डिफाइन करेंगे इसको। सपोज n इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। सपोज n इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर, n अगर कोई पॉजिटिव रेशनल नंबर है, देन गामा फंक्शन इज डिनोटेड बाय गामा n एंड डिफाइंड इज। ठीक है, तो n अगर कोई भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है तब इसके करस्पोंडिंग गामा फंक्शन को गामा n इस सिंबल से आप डिनोट करेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको, गामा n। और इसकी डेफिनेशन क्या होगी, डिफाइंड एज गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x dx। तो ये जो इनफाइनाइट इंटीग्रल है इसे हम किससे डिनोट करते हैं, इस फंक्शन से, और इस फंक्शन को हम क्या कह रहे हैं, गामा फंक्शन। ठीक है, तो गामा n इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1 e रेज टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, तो ये तो डेफिनेशन हो गई गामा फंक्शन की। फॉर एग्जाम्पल आपको लिखना है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू फाइंड गामा 5। सपोज आपको फाइंड करना है गामा 5, देन n इक्वल टू 5 इसमें मैं पुट करूंगा, इक्वल टू किसके आ जाएगा, 0 टू इनफाइनाइट n इक्वल टू 5 रखा तो x पावर 4 e रेज टू द पावर माइनस x dx। ठीक है, तो ये गामा 5 की वैल्यू हो गई। तो कोई भी अगर आप यहाँ पर n लोगे, n यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव रेशनल नंबर। ठीक है, पॉजिटिव रेशनल नंबर n है, उसके करस्पोंडिंग गामा फंक्शन हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। अब इसमें जो सबसे पहला रिजल्ट हम करने वाले हैं इसे हम कहते हैं रिकरेंस रिलेशन। ठीक है, रिकरेंस रिलेशन। तो गामा फंक्शन का जो रिकरेंस रिलेशन है इसको आप किस तरह से कर सकते हैं, रिकरेंस रिलेशन के अंदर प्रूव करना है हमें गामा n प्लस 1 इक्वल टू किसके होगा, n इंटू गामा n। ठीक है, तो n प्लस 1 अगर गामा के अंदर लिखा हुआ है और फिर इसको हम अप्लाई करेंगे क्वेश्चंस में, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। गामा n प्लस 1 जो भी आपके पास रेशनल नंबर्स हैं उनको इस फॉर्म में आप लिखोगे और फिर इसको n इंटू गामा n की फॉर्म में आप लिख पाओगे। ठीक है, तो मैं ये ले रहा हूँ, देखो गामा n का फॉर्मूला मेरे पास ये है, LHS में लेकर चल रहा हूँ। LHS इक्वल टू किसके है, गामा n प्लस वन विच इज इक्वल टू, गामा n का फॉर्मूला मेरे पास है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n माइनस 1। तो ध्यान रहे जब यहाँ पर गामा n आप फाइंड कर रहे हो देन x रेज टू द पावर क्या है, n माइनस 1। ठीक है, यानी कि n से एक कम है पावर e रेज टू द पावर माइनस x dx। तो गामा n प्लस 1 क्या होगा, इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n है तो n माइनस 1, यहाँ पर n प्लस 1 है तो पावर क्या आएगी, n आएगी, x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस x और dx। इस तरह से कर सकते हैं डिफाइन। ठीक है, गामा फंक्शन ऑफ n+1 इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू द पावर n e रेज टू द पावर माइनस x dx। इसको मैं अब सिंप्लीफाई कर रहा हूं, इसको मैं बाई पार्ट्स के कर रहा हूं। सपोज इसको मैंने फर्स्ट मान लिया, इस फंक्शन को मैंने क्या ले लिया, सेकेंड। क्या होगा इसके इंटीग्रेशन, इक्वल टू बाई पार्ट्स जब आप इसको करोगे तो फर्स्ट को एज इट इज लिखा x रेज टू द पावर n, सेकेंड का इंटीग्रेशन किया तो e रेज टू द पावर माइनस एक्स और माइनस आ गया माइनस, ठीक है। लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट, लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट और माइनस माइनस इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट। फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो n इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस वन, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे ई रेज टू द पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का माइनस वन आएगा तो माइनस माइनस प्लस वन और dx, ठीक है। ये आ गया मेरे पास, क्या कर सकते हैं इसको, ये मेरे पास आएगा इक्वल टू, ये बन रहा है एक्स रेज टू द पावर n अपॉन अपॉन माइनस है बाहर और ई रेज टू द पावर x लिमिट फ्रॉम 0 टू इनफाइनाइट और प्लस इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में है, n को मैं बाहर ले सकता हूँ, n इंटू इंटीग्रेशन 0 टू इनफाइनाइट और x रेज टू द पावर n माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और dx। इस तरह से लिख दिया। ये लिमिट अगर आप कैलकुलेट करें, ठीक है, तो यहाँ पर ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। जब इसमें अपर लिमिट लगाएंगे, ये क्या है मेरे पास, ये लिमिट लगानी पड़ेगी मुझे। लिमिट किसकी वैल्यू है, ये x की लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू इनफाइनाइट xn अपॉन ई रेज टू दी पावर x, ये लिमिट। और ये लिमिट इक्वल टू किसके आएगी, जीरो के, ठीक है। आप इसको अलग से कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ से ये देख सकते हैं कि ऊपर x रेज टू दी पावर n है, ठीक है, x टेंड्स टू इनफाइनाइट, नीचे ई रेज टू दी पावर x है। तो आप यहाँ से एक चीज़ देख सकते हैं कि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है उसमें जो इंक्रीमेंट होता है वो आपका जो पोलिनोमियल फंक्शन है उसकी बजाय बहुत रेपिडली होता है, ज़्यादा तेजी से होता है, इसलिए ये वाली जो वैल्यू है वो ज़्यादा तेजी से इनफाइनाइट की तरफ जाएगी। तो ओवरऑल जो लिमिट है वो किसकी तरफ जाएगी, जीरो की तरफ, ठीक है। तो जब इनफाइनाइट ले रहे हो तो जीरो आ रहा है, जब जीरो रखोगे इसमें एक्स इक्वल टू जीरो जैसे ही रखोगे तो लोअर लिमिट पर भी, लोअर पार्ट पर भी क्या बनेगा, जीरो। तो ये वाली टर्म तो आपकी ओवरऑल जीरो बनेगी। क्या बचेगा मेरे पास, इक्वल टू n इंटू और ये देखो आप, ये बच रहा है n इंटू 0 टू इनफाइनाइट x रेज टू दी पावर n माइनस वन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स dx। इसको मैं लिख सकता हूँ n इंटू, और ये किसकी डेफिनेशन आ गई, गामा n की, n इंटू गामा n। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मेरे पास आ गया, गामा n प्लस वन इक्वल टू, गामा n प्लस वन इक्वल टू किसके आ रहा है, n इंटू गामा n, ठीक है। तो मेरा ये रिजल्ट हो गया, गामा फंक्शन की डेफिनेशन हो गई, गामा n प्लस वन इक्वल टू n इंटू गामा n हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में क्या रिलेशन है, और यहाँ पर ये रिजल्ट मैं प्रूव करूँगा कि गामा n प्लस वन इक्वल टू किसके होगा, फैक्टोरियल n के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है क्योंकि ये रिजल्ट्स ना केवल कैलकुलस में आपके काम में आएंगे, बाकी आप जब मैथमेटिकल एनालिसिस में भी आप जाओगे तो वहाँ पर भी ये रिजल्ट कंटिन्यू आपके काम में आने वाले। तो नेक्स्ट मैं आ रहा हूँ रिलेशन, ठीक है। तो ये तो मेरे पास एक रिकरेंस रिलेशन आ गया कि गामा n प्लस वन को आप हमेशा n इंटू गामा n की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन किस किस में, गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में, रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड फैक्टोरियल फंक्शन। रिलेशन बिटवीन गामा फंक्शन एंड फैक्टोरियल फंक्शन तो क्या है, देखो गामा n प्लस वन, सिंस गामा n प्लस वन इक्वल टू n इंटू गामा n, ये फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, अभी प्रूव किया मैंने। गामा रिकरेंस रिलेशन, गामा n प्लस वन किसके इक्वल होगा, n गामा n प्लस वन के, ठीक है। ये फॉर्मूला मैं प्रूव करूंगा फैक्टोरियल वाला। आपको पता है फैक्टोरियल किसके लिए डिफाइन करते हैं हम, नेचुरल नंबर्स के लिए, ठीक है, जीरो का फैक्टोरियल भी वन होता है, तो एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन के लिए ये फॉर्मूला होगा अपना। तो अगर मैं यहाँ पर गामा वन फाइंड करूं, सबसे पहले गामा वन, अगर मैं इसके अंदर एन इक्वल टू जीरो रख दूं, ठीक है, या गामा टू की वैल्यू क्या होगी, यहां से देखो आप, गामा टू इक्वल टू, गामा टू इक्वल टू, ठीक है, गामा टू की हम वैल्यू फाइंड करें, गामा टू किसके इक्वल होगा, इक्वल टू गामा, इसको मैं वन प्लस वन लिख सकता हूं, वन प्लस वन, और इक्वल टू किसके आ गया ये, वन इंटू गामा वन, वन इंटू गामा वन, ठीक है। गामा वन की वैल्यू क्या होगी, गामा वन मैं लिख सकता हूं यहां से, ठीक है, गामा वन में अलग से आपको कैलकुलेट करके बता सकता हूं यहां पर, ठीक है, आप इसकी बजाय इस तरह से करो, देखो गामा वन मैं आपको फाइंड करके बता देता हूं। गामा फंक्शन की डेफिनेशन ये है, गामा एन इक्वल टू किसके है, इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स और डी एक्स, ये गामा एन की वैल्यू है। गामा एन क्या होगा, देखो आप, गामा वन, एन की जगह मैंने वन रख दिया, तो इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, एन की जगह वन रखा तो एक्स की पावर जीरो तो वन हो गया, ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका जब मैं इंटीग्रेशन करूंगा तो माइनस ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स, और लिमिट फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट अपर लिमिट में लगाऊंगा, ठीक है, यानी ये बन रहा है आपका माइनस वन अपॉन ई रेज टू दी पावर एक्स और लिमिट जीरो टू इनफाइनाइट। क्या आएगा देखो, जब अपर लिमिट लगाओगे x की जगह इनफाइनाइट रखोगे तो वन अपॉन ई रेज टू दी पावर इनफाइनाइट जीरो आएगा, माइनस करके लोअर लिमिट लगाओगे, x की जगह जीरो लिखेंगे तो वन आएगा, और माइनस माइनस प्लस, यानी वैल्यू क्या आ गई वन। तो यहां से एक चीज तो क्लियर रहे आपको, गामा वन की वैल्यू, गामा वन इक्वल टू किसके इक्वल है, वन के, ठीक है, गामा वन मेरे पास है। अब मैं गामा टू निकाल सकता हूँ, गामा टू इक्वल टू, गामा टू की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, रिकरेंस रिलेशन, गामा एन प्लस वन को मैं एन इंटू गामा एन लिख सकता हूँ, तो गामा टू क्या होगा, वन इंटू गामा वन, गामा वन की वैल्यू वन रख दी मैंने तो वन, गामा टू भी वन आ रहा है, ठीक है। अब मैं गामा थ्री की वैल्यू लिख रहा हूँ, गामा थ्री इक्वल टू, गामा थ्री को मैं क्या लिख सकता हूँ इस रिलेशन से, एन प्लस वन है तो यहाँ पर एन आ रहा है, तो यहाँ थ्री है तो टू आ जाएगा, टू गामा टू, टू गामा टू, ठीक है, तो 2 इंटू, और गामा 2 की वैल्यू क्या है 1, यानी क्या आ गई वैल्यू ये, फैक्टोरियल 2, ये आपकी वैल्यू यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल 1, तो गामा 2 की वैल्यू फैक्टोरियल 1 आ रही है, गामा 3 की वैल्यू फैक्टोरियल 2 आ रही है। अगर मैं गामा 4 फाइंड करूँ, दिस विल बी इक्वल टू 3 गामा 3 विच इज इक्वल टू 3 इंटू गामा 3 की वैल्यू क्या है 2 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 3। गामा 5 अगर मैं फाइंड करूँ, 5 इक्वल टू तो 4 गामा 4 विच इज इक्वल टू 4 इंटू गामा 4 की वैल्यू क्या है 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। इसी तरह से आप आगे वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से सिमिलर वे में अगर मैं गामा एन प्लस वन लिखना चाहूँ यहाँ पर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखूँ सिमिलरली, सिमिलरली गामा एन प्लस वन, ठीक है, तो गामा 5 फैक्टोरियल 4 के इक्वल है, गामा 4 फैक्टोरियल 3 के इक्वल, गामा एन प्लस वन इक्वल टू फैक्टोरियल एन वेयर एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके पास आ गया, गामा फंक्शन और फैक्टोरियल फंक्शन में गामा एन प्लस वन इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन होगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन यहाँ पर आपको दिया हुआ है, इसको मैं प्रूव कर रहा हूँ। किस तरह से प्रूव करेंगे देखो, लास्ट वाला जो रिलेशन इसके अंदर है, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन ई रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल टू मुझे प्रूव करना है किसके होगा, गामा एन अपॉन ए रेज टू दी पावर एन के। तो मैं ये ले रहा हूँ क्वेश्चन, इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इनफाइनाइट एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन ई रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल टू ठीक है, तो इसको मैं गामा फंक्शन की फॉर्म में लेकर आऊंगा। गामा फंक्शन की डेफिनेशन अगर आपको ध्यान हो, एक्स रेज टू दी पावर एन माइनस वन ई की पावर माइनस एक्स यहाँ पर आता है, ए एक्स नहीं आकर क्या आता है माइनस एक्स। तो मैं यहाँ पर ये रख रहा हूँ सपोज a इंटू एक्स इक्वल टू मैंने y के रख दिया, क्या रख रहा हूँ मैं a इंटू एक्स इक्वल टू वाई, तब क्या होगा a dx इक्वल टू डी वाई के, ए डी एक्स इक्वल टू डी वाई के। तो क्या होगा यहाँ से देखो इंटीग्रेशन x की जगह क्या हो गया y अपॉन a, यहाँ से देखो x इक्वल टू किसके आ गया y अपॉन a के, y अपॉन a रेज टू द पावर n माइनस वन ई रेज टू द पावर माइनस ए एक्स इक्वल टू किसके आ गया y के, और dx की जगह क्या रखा मैंने dy वाई अपॉन a। अब ये इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में इसलिए लिमिट y की लगाओगे। लोअर लिमिट देखो आप, अगर x इक्वल टू में जीरो लिखूं तो y इक्वल टू जीरो आ रहा है, लोअर लिमिट जीरो आ गई। अगर x टेंड्स टू इनफाइनाइट है देन y टेंड्स टू इनफाइनाइट है, तो अपर लिमिट भी क्या है आपकी इनफाइनाइट, लिमिट वही रहेंगी जो x वाली थी। इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट, ये बन गया y रेज टू दी पावर एन माइनस वन अपॉन ए रेज टू दी पावर एन माइनस वन इंटू ई रेज टू दी पावर माइनस वाई अपॉन किसके ए के और डी वाई, विच इज इक्वल टू ए रेज टू दी पावर एन माइनस वन है, ए की पावर वन है, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी तो एड हो जाएंगी, तो वन अपॉन ए रेज टू दी पावर एन, ये तो बाहर आ गया। और इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट वाई रेज टू दी पावर एन माइनस वन ई रेज टू दी पावर माइनस वाई और डी वाई। अब आप देख रहे हो कि ये जो डेफिनेशन है ये गामा फंक्शन की डेफिनेशन है, ये वाला पार्ट तो वन अपॉन ए एन, और ये किसकी वैल्यू है गामा एन की, क्योंकि वहां पर x आता है, x रेज टू दी पावर एन माइनस वन ई रेज टू दी पावर माइनस एक्स और dx, तो यहाँ पर x नहीं होकर वेरिएबल y हो गया, तो ये गामा n की वैल्यू है। ठीक है, तो मुझे यही प्रूव करना था कि इंटीग्रेशन जीरो टू इनफाइनाइट x रेज टू दी पावर एन माइनस वन ई रेज टू दी पावर माइनस ए एक्स डी एक्स इक्वल टू किसके होगा गामा n अपॉन ए रेज टू दी पावर n के होगा। ठीक है, तो गामा फंक्शन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज और किस तरह से गामा फंक्शन को आप अप्लाई कर पाएंगे वो हमने यहाँ पर देखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बीटा फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी भी तरह की आपकी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप हमसे डिस्कशन कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। मैं कोशिश करूँगा कि कम से कम BSc लेवल के जो लेक्चर्स हैं और जो इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ काम में आती है, अभी जैसे इंटीग्रल कैलकुलस को मैं पूरा कवर करूंगा, जिसके अंदर बीटा और गामा फंक्शंस की प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा जो इंटीग्रल कैलकुलस का पार्ट है, डबल इंटीग्रेशन है, ट्रिपल इंटीग्रेशन है, लाइन इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस ठीक है, वॉल्यूम है ठीक है, यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल वाला ठीक है, तो वो कोई भी सरफेस है, सरफेस जो भी जनरेट हो रहा है सरफेस, उस सरफेस का वॉल्यूम क्या होगा ठीक है, सरफेस एरिया क्या होगा, आर्क लेंथ क्या होगी, ये सारी जो भी लेक्चर्स हैं इंटीग्रल कैलकुलस यूजी लेवल की ठीक है, उसको हम कंप्लीट कवर करेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।